सो यहाँ पे हमारे साथ है चेतन। सो चेतन जी, फर्स्टली वेलकम टू द नकुल शो वंस अगेन। एंड सो हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू? इट्स अ माइल स्टोन फॉर मी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नकुल के शो में आऊंगा. ये मेरे लिए इतना बड़ा दिन है आज मेरे लाइफ का. ओ माई गॉड. मैं चाहूंगा कि मैं मंदिर में 10 किलो मोतीचूर के लड्डू जो है, अभी मंदिर तो बंद है, क्वारंटाइन का टाइम है, बट मैं जरूर खुश नसीब हूँ हूँ फिलहाल. यू नो आई फील वेरी ऑब्लाइज्ड. बहुत बड़ी बात बोल दी चेतन भाई आपने, क्योंकि यू आर एन इंस्पिरेशन टू मैनी यूथ। बहुत सारे यूथ के लिए आप बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन हो, बिकॉज जैसे ही मैं आपको, जब से जानता हूँ आपके बारे में जानता हूँ, बहुत सी चीजें हैं कि आप इतना इंस्पायर करते हो लोगों को। आपके हर एक एक्ट से, हर एक मूव से बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल आप हमें बना देते हो। सो इट्स, यू नो, इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर ब्रो। बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे आपको देखकर। तो सेम आपके ही आने के है. पहले तो आपके आने के पहले मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही अच्छे से दिया। वंस अगेन लेट मी इंट्रोड्यूस, ही इज अ एक्स पिट्स विलन, एंड ही आल्सो ही वाज आल्सो सीन रोडीज एक्सट्रीम, रोडीज रिवॉल्यूशन में, एज अ पीआई में, और भी बहुत सारे कई एमटीवी के शोज किए हैं। ही आल्सो वन मोर देन 15+ पेजेंट्स। जी हाँ, पेजेंट्स में भी ही इज अ विनर ऑल ओवर इंडिया, और भी ही इज अ बॉलीवुड एक्टर, टॉलीवुड एक्टर, हॉलीवुड मूवीज। सो आज हम लोग बहुत ओके, सो आज हम लोग बहुत सी बातें करने वाले हैं, और उनकी जर्नी के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। ओके, सो चेतन, हम लोग सबसे पहले मेरा शो पे हम लोग अलग अलग राउंड्स में हम लोग चाहते हैं आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला राउंड है जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। हम सभी को, मुझको या ऑडियंस को, आपके फैंस को, सबको जानना चाह सभी लोग जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी थी, राइट फ्रॉम, यू नो, बीइंग अ कॉमन मैन टू सेलिब्रिटी टुडे, एज यू नो, एक अलग लेवल पे आप खुद को देखते हो। तो मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी, जी जस्ट नॉर्मल वन, एक इंसान हूं मैं. क्योंकि मैं सेलिब्रिटी नाम इसलिए जोड़ना नहीं चाहता क्योंकि लोगों ने इसको डेलिबरेटली जोड़ा है मेरे से, क्योंकि शायद उनको वाइब्स दिखती है कि हाँ इसको सेलिब्रिटी बोलना चाहिए. क्योंकि मेरे हिसाब से एमटीवी स्प्लिट्स फेला में, रोडीज में कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है. वी आर नॉट सेलिब्रिटीज. हाँ, बट अगर आप में वो वाइब्स हैं कि आप आगे जाके 10 पहाड़ चढ़ के और 10 फेलियर फेस करके अगर आप उठ सकते हो, फिर आप एक सेलिब्रिटी कहलाते हो. क्योंकि मेरे बिल्कुल हिसाब बिल्कुल से हर हर गली मोहल्ले से लोग निकलते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और कुछ ना कुछ बनने के लिए. सबकी चाह है, सबको कुछ ना कुछ बनना है, बट वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कशमकश से जो आगे जाते हैं, और बहुत लिमिटेड लोग होते हैं. वो 100 में से 1 या 2 लोग होते हैं जो वाकई में उस रेस में सच्चे दिल से होते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं उस जर्नी में, उस प्रोसेस में, और फतह पाते हैं. फतह बिल्कुल पाना बिल्कुल सिर्फ एक सोल्जर का एक काम होता है जो सेक्रीफाइसिंग होता है, हु इज अ सेक्रीफाइसिंग इन नेचर, जो झुकता है. पेड़ को झुकना पड़ता है नकुल, पेड़, बिल्कुल क्योंकि जब आंधी तूफान आता है, जब लंबा पेड़ है वो जल्दी से टूट जाता है, बट एक झुका हुआ पेड़ जो होता है ना, हमेशा झेल लेता है, झेलने की ताकत होती है. बट वही झुका हुआ पेड़ फिर खड़ा भी हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल कुदरत का राइट, करिश्मा, कुदरत का करिश्मे को कोई हाथ नहीं लगा सकता. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ओके, तो बहुत ही अच्छा आपने ये बताया आपकी ये जर्नी के बारे में। तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि यू डोंट फाइंड योर सेल्फ एज अ सेलिब्रिटी, बट देन यू फाइंड योर सेल्फ एज अ कॉमन मैन, एंड गिवन अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ओवर हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।